नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेमा क्रिएटिव गार्डन। हमारे गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हम प्रयागराज से हैं तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ऐसे में हमारे सारे प्लांट जो हैं सब परेशान हो रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी ठंडक देने के लिए जो है खाद जो है लिक्विड खाद बना के डालते हैं, तो जैसे सब्जी और फल के छिलकों से भी बना लेते हैं। आज हमने कंडी से बनाया। कंडी आप लोग समझते हैं, या तो जिसे गांव की भाषा में उपली बोलते हैं, उपला या कंडी जो भी कहें। ये देखिए, ये है गोबर की कंडी बनती है। इसी को हमने भिगो दिया था, 24 घंटे हो गए भिगोए। तो भिगोने के बाद जो है ये देखिए, इसका कलर जो है पानी का ऐसे हो गया है। तो अब इसको जो है हम अपने पौधों को देंगे, इससे पौधों को काफ़ी राहत मिलेगी। और इसमें हमने थोड़ी सी नीम खली भी डाली है। नीम खली से जो है पौधों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं और फंगस वगैरह, उसके लिए ही फ़ायदा करता है। तो थोड़ी सी हमने 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी नीम खली ही डाल दी थी। और ये कंडी की खाद बना लिए हैं, क्योंकि गर्मी में सॉलिड खाद जो है पौधों को बहुत नुकसान करती है। और आजकल तो गर्मियों में कीट पतंगे चींटियों का बहुत ज़्यादा आतंक हो गया है, और उसकी वजह से मिली बग्स वगैरह बहुत ज़्यादा पौधों में अटैक कर रहे हैं। तो नीम आयल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा मिल नहीं रहा है उससे। तो उसके लिए कुछ देसी जुगाड़ सोच रहे हैं करने के लिए, तो अभी बनाएंगे तो वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे क्या हम डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतना हम जो है ये पानी ले लिए हैं। अब इसमें प्लेन पानी मतलब सादा पानी मिलाएंगे। ये देखिए, ये है, अब इसमें हम सादा पानी और मिला के तब पौधों में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, थोड़ा उसमें पानी मिला के और पौधों में देंगे। और इससे जो है काफ़ी पौधों को राहत मिलेगी, ठंडक जो है ना हो सके। तो गर्मी में जितना हो सके ठंडी ही खाद देनी चाहिए ना। तो आप लोग भी ऐसे ही जो है ठंडी खाद बनाइए। देखिए, और सारे पौधों को जो है इसी तरह से हम आज जितना हो सकेगा सब पौधों को डालेंगे। इतनी तेज गर्मी है कि सुबह पानी डाल के जाते हैं, शाम तक सारे पौधे एकदम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। देख के बड़ा तरस आता है कि इन लोगों के लिए क्या करें। कोशिश कर रहे हैं जितना हो पा रहा है कि इनको जो है गर्मी से बचाया जाए। हालांकि बहुत सारे पौधे, इतनी गर्मी है, थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो खराब होने लगते हैं, और पानी कम है तो मुरझाने लगते हैं। हल्का सा भी पानी ज़्यादा होता है तो पानी जो है ज़्यादा होने से सारे प्लांट, इतना हम आपको दिखा दिए हैं। अभी बहुत सारा जितने भी प्लांट हैं जितना हो सकेगा हम डालेंगे पानी ना। इतने प्लांट हैं तो सब में तो नहीं पहुंच पाएगा आज, लेकिन जितने में भी होगा। तो आजकल हमारे गार्डन में ये इसका अटैक बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, जैसे आपको दिख रहा होगा मिली बग्स, ये गुड़हल में तो सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे आम सभी पौधों में जो है ये पहुंच रहे हैं। सारे प्लांट हमारे ख़राब कर रहे हैं। गुड़हल, हालांकि पानी से इनकी हम धुलैया उलैया करते रहते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये बहुत ज्यादा हो गई। तो हमने सुबह धुला था, ये देखे, सुबह हम पूरा पाइप लगा के धुल के गए थे, इसमें फिर पूरा मतलब चारों तरफ ये इस प्लांट में बहुत ज्यादा हो गए थे, तो इसकी हमको कटिंग करनी पड़ी। ये देखिए, ये वाला ही प्लांट इसमें लगा था, बहुत अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन इतनी ज्यादा मिली बग्स थे कि उनको हटाना मुश्किल था। तो हमने कटिंग करके फिर गार्डन से बाहर ही फेंक दिया। तो इस समय बहुत ज़्यादा इनका अटैक है, हालांकि हम
कोई केमिकल फर्टिलाइजर डालते नहीं। अब देखिए चींटियाँ हैं, ये घूम रही हैं ना चींटियाँ, ये चींटियाँ जो है यही सब पूरे पौधों में एक दूसरे से जा जा के फैला रही हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, अब हम चलें अपना डाल दें पानी वानी, तो फिर आपको अगली इसकी जो है फर्टिलाइजर हम क्या बनाते हैं क्या नहीं, हम घर पे ही बनाएंगे, घर पे बना के तब आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कौन सी फर्टिलाइजर जो है डाल रहे हैं इसमें मिली बक्स के लिए। हम केमिकल का यूज नहीं करते, नीम ऑयल डाल रहे हैं और थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि घर से भी कुछ जुगाड़ करके डालें तो उसको बनाते हैं, तो फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले किसी ब्लॉग में। गुड बाय।